हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट नीडल में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपका फिजिक्स टीचर अनु शर्मा। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हमारी यूनिट 4 चल रही है बच्चों, उसमें हमारा जो चैप्टर है बेटा वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है बेटा। अब बच्चों इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हमने, आपको पता है कि कल हमने जो पिछली क्लास हुई थी उसमें बोर्ड के न्यूमेरिकल पढ़े थे। तो बच्चों आज जो मैं आपको इसमें पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, वो टॉपिक के नाम आप बहुत आराम से देखिए बेटा। सबसे पहले बच्चों आज हम इसमें पढ़ेंगे स्वप्रेरण। स्वप्रेरण, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ स्वप्रेरण के बारे में, जिसे बच्चों जिसका दूसरा नाम एक और है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, ठीक है बेटा। तो बच्चों जैसे कि हमने फ्राडे लॉ पढ़ा था, लेंज रूल पढ़ा था, तो आज हम देखेंगे स्वप्रेरण क्या होता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, इसमें एक डेरिवेशन जरूर आएगा बच्चों। तो बच्चों सबसे पहली बात ये करते हैं कि स्वप्रेरण क्या होता है। तो इसमें आप गौर से एक चीज देखें बच्चों, यदि मैं एक परिनालिका ले लूं इस तरीके से, एक परिनालिका ले ली जाए बेटा, और इसमें को एक सोर्स से लगा दिया जाए, यानी एक बैटरी से लगा दिया जाए, और ये जो यहाँ पे की है इसको अभी हमने ऑन नहीं किया, ये बंद नहीं है, ठीक है। तो बच्चों अब बात ये आती है, थोड़ी देर के लिए देखिए स्वप्रेरण क्या होगा। बच्चों जैसे मैं इस कुंजी को प्रेस करूंगा तो सर्किट ऑन हो जाएगा। कुंजी जब स्टार्ट नहीं थी बच्चों, तब उसके अंदर जो करंट थी वो थी जीरो। की को प्रेस करते ही इसके अंदर करंट बढ़ेगी, और जीरो से कितनी जाएगी बच्चों, कुछ ना कुछ आई करंट आ जाएगी इसके अंदर, जितनी भी करंट जाएगी, यानी हम कह सकते हैं जीरो से अगर आई वन जीरो है तो बेटा आई टू कितनी हो जाएगी, आई हो जाएगी। तो बच्चों गौर से अगर देखने वाली बात है कि जैसी इसमें आई फ्लो होगी, तो इस आई की वजह से इसमें एक विद्युत फ्लक्स आएगा इस प्रकार से, जिसकी दिशा इस प्रकार से होगी। क्यों? क्योंकि इस कुंडली पे एक विद्युत विभवांतर बना प्लस से माइनस की तरफ, जिसे हम कह सकते हैं यहां जो विभवांतर बना वो बाह्य विभवांतर बना, बाह्य विभवांतर, एक्सटर्नल इंड्यूस ईएमएफ, एक्सटर्नल ईएमएफ। तो बच्चों इस बैटरी की वजह से जब ये बाह्य ईएमएफ बनेगा, और जैसे इसके वजह से चुंबकीय फ्लक्स होगा, तो आपको पता है हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी कुंडली फ्लक्स में चेंज होने का अपोज करती है, तो तुरंत ये कुंडली नहीं चाहेगी कि ये फ्लक्स इसके अंदर जाए। तो ये इसका अपोज करने के लिए जो बाह्य विभवांतर आपने बैटरी से अप्लाई किया, इसके अपोजिट में एक विभवांतर अप्लाई कर देगी प्लस माइनस इस प्रकार से, और ये जो होगा बच्चों प्रेरित विभवांतर होगा इस प्रकार से। तो हम देख सकते हैं कि प्रेरित विभवांतर जो इस प्रकार से प्रोवाइड करती है, तो ये इसका अपोज करेगी और एक प्रेरित धारा प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी अगेंस्ट में। इसकी वजह से जो बच्चों शुरुआत में हम कहते हैं प्रारंभ में, अगर प्रारंभ में हम बात करें बेटा, तो ये जो है विद्युत धारा का, जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा उसके बढ़ने का, बढ़ने, उसके बढ़ने का विरोध करती है, विरोध। आई गॉट सेइंग? तो जो बाह्य करंट है वो थोड़ी सी शुरुआत में डिले होती है, इसको बढ़ने नहीं दिया जाता। तो ये जो कुंडली की खुद की प्रॉपर्टी है बच्चों, कि जब भी उसमें धारा चेंज होगी, उसकी वजह से वो जो एक अपोजिट, यानी कह सकते हैं बाह्य विभवांतर के विरोध में जो विभवांतर उत्पन्न कर देती है, ये जो उसकी प्रॉपर्टी, यानी ये जो उसका गुण है बेटा, ये कहलाता है स्वप्रेरण। ये कुंडली के अंदर अपना आप पैदा हो जाता है, ठीक है बेटा। अब इसका दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों। अभी इसी कुंडली में अगर हम बात करें कि एक कुंडली और हम ऐसे बना देते हैं बच्चों इस प्रकार से, और फिर से मैं अगर इस तरह से बैटरी लगा देता हूं, और बच्चों अगर इसमें पहले से ही करंट जा रही है आई, ठीक है, तो बच्चों जब आई करंट जा रही है तो जो भी इसका विद्युत फ्लक्स होगा वो तो इस प्रकार से जा रहा होगा, और जो बाह्य विभवांतर होगा वो ये होगा। अब बच्चों मैं, क्योंकि अब करंट थोड़ी देर बाद तो नियतांक हो चुकी होगी, तो अब कोई भी इंड्यूस ईएमएफ इसमें प्रवाहित नहीं होगा बच्चों, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो बच्चों बात ही आती है कि अब जब मैं इसको ऑफ कर दूं की को, जैसी मैं इस की को ऑफ करूंगा, तो बच्चों ये धारा यहां से खत्म हो जाएगी, यानी अगर धीरे धीरे बोलूं तो आई बिकम जीरो, धीरे धीरे जीरो होगी। तो फिर बच्चों ये जो इसका चुंबकीय फ्लक्स था धीरे धीरे कम होने लगेगा, जैसे ही कम होने लगेगा तो बच्चों ये कुंडली चाहती है कि इसका अपोज किया जाए, यानी कम ना हो, तो इसको कम ना होने की वजह से ये अपना एक चुंबकीय फ्लक्स बनाना शुरू कर देगी इसी की दिशा में।
इसके लिए इसे एक विद्युत विभवांतर जो प्रेरित होगा वो बाहर वाले के समान दिशा में बनाना पड़ेगा, और इस बार हम कहेंगे प्रेरित। तो बच्चों इसका मतलब समझो, जब विद्युत फ्लक्स कम हो रहा है तो वो बाहर वाले विद्युत विभवांतर के समान दिशा में विभवांतर उत्पन्न कर देती है, प्रेरित विभवांतर, जिससे कि फ्लक्स कम ना हो। तो इस प्रकार भी क्या होगा बेटा, ये भी स्वयं प्रेरण का जो है हमारे पास है एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। कुल मिला के कुंडली में बच्चों क्या करना है, जब भी धारा परिवर्तित होगी, यानी अगर जीरो है तो आई होगी, और आई से अगर बच्चों जीरो हो गई तो स्वयं प्रेरण होगा। तो ये एक स्वयं प्रेरण है बच्चों, कुंडली की एक प्रॉपर्टी है, इसकी मैं परिभाषा लिखूंगा पहले, आप इसको समझ लीजिए। अब बच्चों बात याद है कि स्वयं प्रेरण को क्या हम कंप्लीट रूप से खत्म कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, स्वयं प्रेरण, ये जो स्वयं प्रेरण होता है बच्चों, इसे आप खत्म नहीं कर सकते, इसे आप सिर्फ कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आप इसे खत्म नहीं कर सकते, आप इसे कम कर सकते हैं स्वयं प्रेरण को। तो कैसे कम करेंगे या ये हमारे लिए कहां का फायदेमंद है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। अब हम इसको बच्चों थोड़ी देर पर इसको परिभाषित करेंगे, मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे और इसके से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे बच्चों, इसके फॉर्मूले भी देखेंगे। तो बच्चों स्वयं प्रेरण की परिभाषा क्या बनेगी, थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों। किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन, तो बच्चों किसी भी कुंडली के अगर प्रवाहित धारा के मान में जब भी परिवर्तन होगा, या वो कम से ज्यादा होगी या ज्यादा से कम होगी, तो बच्चों उसकी वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे हम विभवांतर कह सकते हैं, वो उसमें उत्पन्न होगा। और अगर सर्किट पूर्ण बंद है बच्चों, परिपथ बंद है, तो एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है, इस घटना को एक या प्रेरित धारा हम कह सकते हैं उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है बच्चों, इस घटना को स्वयं प्रेरण कहते हैं। ये जो घटना है स्वयं प्रेरण कहलाती है, ठीक है बेटा। अब बच्चों किसी भी कुंडली में स्वयं प्रेरण किस पे डिपेंड करता है, या किस कुंडली का स्वयं प्रेरण ज्यादा होगा या कम होगा, ये बात डिपेंड करती है बच्चों कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व, इसे कहते हैं बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं, सेल्फ इंडक्टेंस, इंग्लिश में सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये किसी भी कुंडली का एक नियतांक होता है, कुछ पैरामीटर अगर देखे जाए तो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। तो इसके लिए बच्चों फिर मैं आपके लिए एक फिगर बनाऊंगा, इसे थोड़ा सा गौर से देखिए बच्चों। इस प्रकार अगर मैं फिर से एक कुंडली बनाऊं, और आप अगर इसमें गौर से देखें कि ये मैंने एक बैटरी लगा दी और यहाँ पे की लग गई, ठीक है बच्चों। तो गौर से देखने में है कि बच्चों जैसी मैं इसमें ये की प्रेस करूंगा, इसमें अभी धारा कितनी थी बच्चों, इनिशियली जीरो, और फाइनल में धारा कितनी हो जाएगी, आई। तो जीरो से आई होने में बच्चों इसमें जो भी आपको पता है फ्लक्स उत्पन्न होगा, कोई ना कोई फ्लक्स उत्पन्न होगा, इसी फ्लक्स की वजह से कुंडली अपोज करती है, जिसकी वजह से वो एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न कर देती है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि किसी भी कुंडली में जो फ्लक्स होता है बच्चों, वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, जितनी धारा इसमें बच्चों बढ़ेगी उतनी इसमें फ्लक्स होगा। अब बच्चों अगर आप देखें तो फ्लक्स को अगर हम यहाँ पे नियतांक हटा दें, तो नियतांक लेना पड़ता है L, जिसे हम कह सकते हैं एल आई। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि ये जो L होता है बच्चों, इसे कहते हैं स्वयं प्रेरकत्व, स्वयं प्रेरकत्व, ठीक है बेटा। तो ये स्वयं प्रेरकत्व होता है, किसी भी कुंडली के नियतांक होता है। अब बच्चों बात ही आती है कि अगर हम एल की परिभाषा दे तो एल की परिभाषा क्या होगी, तो हम कहते हैं फाई अपॉन आई, और बच्चों आई को अगर हम यूनिट मान लें, इकाई, आई को हम वन इकाई रख दें, इकाई। तो बच्चों एल बराबर किसको जाएगा, आप देख रहे हैं एल बराबर हो जाएगा फाई के, ठीक है बच्चों। तो फिर इसको भी हमें परिभाषित करना पड़ेगा, पहले हम इसे समझेंगे फिर इसको परिभाषित करेंगे। तो अगर फॉर्मूले से अगर हम देखें, हम कह सकते हैं बच्चों यदि किसी भी धारा में, किसी कुंडली में यूनिट करंट यानी इकाई धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उससे उत्पन्न जितना भी विद्युत फ्लक्स होगा बच्चों, वो उस कुंडली का स्वयं प्रेरक कहलाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है बच्चों। इसमें मैं एक बात बताता हूं, अगर कुंडली में एन सिरे हैं, जैसे यहाँ पे हमने परिकलानी का लिया, उसमें टोटल सिरे हैं, तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आप देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि फाई को हम एन से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फाई इज इक्वल टू एन आई, तो ये फॉर्मूला भी लिया जा सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो अब अगर एन आई है तो हमने टोटल इसमें आई को वन रख दिया, तो हम इसको एन को अभी यहाँ इग्नोर कर रहे हैं, हम सिर्फ एल इक्वल टू फाई ले रहे हैं सिंगल टर्न के लिए। अगर एन है तो हम एन भी ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब बच्चों इसको भी परिभाषित करेंगे, तो इसको परिभाषित करने के लिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन सुनाता हूँ।
बच्चों अब इस फॉर्मूले से हम जरा स्वप्रेरित की परिभाषा निकालने बेटा, ये आपको लिखने के लिए बहुत आएगी बोर्ड में, ठीक है। तो बच्चों किसी भी कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरक गुणांक, बच्चों जिसे हम एल बोलते हैं, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो बच्चों ये संख्यात्मक रूप से उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है बेटा, उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो उत्पन्न होता है कुंडली में इकाई धारा प्रवाहित होने से, यानी उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जबकि कुंडली में इकाई धारा प्रवाहित हो रही हो। तो वो जो चुंबकीय फ्लक्स होगा बच्चों सहप्रेरक गुणांक कहलाएगा, जिसे हम बोल सकते हैं L बराबर फाइन। और बच्चों यदि हम n फेरे माने उस कुंडली के अंदर, टोटल फेरे n माने, तो हम कह सकते हैं कुल फ्लक्स होता है n फाइ होता है इज इक्वल्स टू अभी हमने जो देखा Li। तो जब i को बेटा 1 रखेंगे तो n फाइ बराबर हम L भी बोल सकते हैं, ये भी फॉर्मूला हमारे पास हो सकता है, ठीक है बेटा। तो सहप्रेरक की परिभाषा ये क्लियर हो गई आपको। बच्चों एक बात गौर करने वाली क्या है, अब देखो जो फ्लक्स, अगर हमें किसी कुंडली का स्वप्रेरक निकालना है तो हमें उसका फ्लक्स पता होना चाहिए। तो बच्चों फ्लक्स पता होना, अब आप सोचो फ्लक्स हमें दिखाई तो देगा नहीं न्यूमेरिकली, या तो पहले फ्लक्स निकाल लें, उसका एरिया पता हो, सब कुछ हो, तो ये कहानी तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसकी दूसरी परिभाषा जो स्वप्रेरक की निकाली गई वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, तो उस डेफिनेशन को जो हम पढ़ेंगे, तो बच्चों उस डेफिनेशन को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। वो डेफिनेशन अगर बच्चों मैं आपको बताऊं तो इस कुंडली में आप थोड़ा सा गौर से देखिए बच्चों, फिगर यही रखते हैं हम लोग, तो फिगर अगर हम यही फिगर रखें तो हम कहते हैं बच्चों कि फराडे का एक नियम पढ़ा है हमें, फराडे नियम। तो आप बताओ बच्चों फराडे का नियम क्या है। फराडे का नियम है कि जो प्रेरित विभवांतर बच्चों से पैदा हुआ है वो होता है माइनस का डी फाई बाई डी टी, यानी जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके परिवर्तन की दर निगेटिव साइन। तो आपको पता है निगेटिव साइन क्या बता रहा है, कि वो उसका अपोज करता है। अब थोड़ी देर के लिए हम निगेटिव साइन अगर बच्चों अपोज उसको रोक दें, और बच्चों अभी हम एक फॉर्मूला देखें, हमारे पास फॉर्मूला है phi बराबर Li। इस फॉर्मूले को अगर हम यहां रखते हैं बेटा तो हमें क्या प्राप्त होगा जरा देखें, E बराबर बच्चों माइनस को मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूं, तो d बाई डी टी, और phi की वैल्यू यहां पे जो है बच्चों हमारे पास वो है Li, इस प्रकार से। क्लियर है बेटा। अब बच्चों थोड़ी देर के लिए गौर से आप एक चीज देखो, जब हम इसको डिफरेंशियल करेंगे, यानी डिफरेंशियल होना आपको लर्न होना है, तो एल बाहर लिया जाएगा, क्योंकि किसी भी कुंडली के जो उसकी कह सकते हैं डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई जितने उसके फेरे उनके लिए नियतांक होता है, तो बच्चों एल बाहर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, डी आई अपॉन डी टी आ जाएगा। अब बच्चों गौर से देखें जरा हम, तो एल की परिभाषा कैसे आ सकती है, तो अगर बच्चों डी आई अपॉन डी टी को मैं 1 ले लूं, 1, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ई बराबर एल के हो गया बेटा, ठीक है। तो गौर से एक बात समझो बच्चों, गौर से एक बात समझने वाली क्या है, कि यदि ये di upon dt क्या चीज है बेटा, इसको गौर से समझना। इसका मतलब है बच्चों यदि किसी भी कुंडली में जो धारा परिवर्तन की दर है वो इकाई हो, यानी यूनिट, एक एम्पियर कह सकते हैं, यदि किसी भी कुंडली में एक एम्पियर की धारा परिवर्तित हो रही हो, तो उसकी वजह से जो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल, वो उस कुंडली का स्वप्रेरक कहलाएगा। ये आपको समझना चाहिए, तो ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है बेटा, क्योंकि विद्युत वाहक बल तो हम आराम से निकाल सकते हैं, किसी भी कुंडली पे वोल्ट मीटर लगा तो आपको विद्युत वाहक बल आराम से मिल जाएगा। क्लियर है ना हमारी बात। तो अब इसकी भी परिभाषा देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है, पहले एक बार सुन लीजिए, किसी भी कुंडली में अगर इकाई धारा परिवर्तित होती है एकांक समय में, तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उसका स्वप्रेरक गुणांक कहलाता है, ठीक है बेटा। अब इसकी परिभाषा आराम से देखते हैं, फिर मैं आपको इसके और डेफिनेशन बताऊंगा। तो बच्चों अब मैं दूसरी परिभाषा स्वप्रेरक गुणांक की जो देखेंगे वो इस प्रकार है बच्चों, कि यदि किसी कुंडली में बच्चों धारा परिवर्तन की दर इकाई हो, धारा परिवर्तन अभी आपने देखा था जिसे हम बोलते हैं डी आई अपॉन डी टी, अगर ये 1 हो जाए बेटा, तो अगर धारा परिवर्तन की दर इकाई हो तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो जितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा संख्यात्मक रूप से बच्चों, वो उस कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक कहलाता है। तो ये परिभाषा भी ज्यादा एप्रोप्रिएट हो गई बेटा। अब दोनों परिभाषा आपको कोई सी भी आ जाए, कोई सी परिभाषा लिख सकते हैं बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है, नंबर पूरे मिलेंगे। अब बच्चों ये आता है कि स्वप्रेरक गुणांक जो है बेटा, ये स्वप्रेरक गुणांक बच्चों, इसकी जो यूनिट है यानी जो इसकी इकाई है वो क्या होगी बच्चों, अगर हम इसकी बात करें, इसका मात्रक क्या है बेटा, मात्रक, इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, बहुत लिखने के लिए आता है बेटा इसका मात्रक। तो इसका मात्रक निकालने के लिए हम दो फॉर्मूले देखते हैं, एक तो हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों phi = Li, इस प्रकार से। तो अगर L से हम देखें तो बच्चों कितना हो जाएगा, phi upon I हो जाएगा, तो फ्लक्स का मात्रक होता है बच्चों वेबर, और I का कितना होगा, एम्पियर, तो इसको हम कह सकते हैं वेबर पर एम्पियर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक यूनिट होगी वेबर पर एम्पियर, पर इसका दूसरा नाम इस पूरे को मिलाकर जो बोला गया था बेटा, उसको बोला गया था हेनरी, हेनरी,
ठीक है बच्चों, तो इसको हेनरी बोला गया था। अब बच्चों इसका मात्रक सेम है हेनरी, लेकिन अगर आपको कोई और लिखने के लिए आ जाए एमसीक्यू में, यानी अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप कैसे करेंगे, तो इस मामले से आप इसका मात्रक निकाल सकते हैं, वो है एल डी आई अपॉन डी टी। तो बच्चों एल कितना हो जाएगा यहां से, ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। अब बच्चों गौर से अगर देखें तो ई क्या होगा बच्चों, विद्युत भाग बल है, तो इसका मात्रक होगा वोल्ट, ठीक है बच्चों, और आई क्या होगी बच्चों, एम्पियर, और बच्चों टाइम का क्या होगा, सेकंड, देख सकते हैं आप इस प्रकार से। तो बच्चों अगर हम बात करें तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, वोल्ट और बच्चों ये हो जाएगा सेकंड तो ऊपर आ जाएगा, और बच्चों हम कह सकते हैं पर एम्पियर, पर एम्पियर इस प्रकार से। तो बच्चों वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, इसको भी नाम जो बोला गया था बच्चों वो हेनरी ही बोला गया था, इसका नाम भी हेनरी। तो दोनों तरीके से हेनरी नाम बोला गया है, लेकिन एक यूनिट है वेबर पर एम्पियर और एक है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। दोनों में से कोई सी भी यूनिट आ जाए बच्चों आपको लिखने के लिए आया तो ध्यान से लिख देना, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि स्वैप रेट गुणांक किस किस पे डिपेंड करता है, इस पे भी हम ध्यान से समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब बात आती है कि स्वैप रेट गुणांक किस पे निर्भर करता है बच्चों, तो उसके लिए मैं आपको एक दोबारा से एक फिगर दिखाता हूँ बेटा, थोड़ा समझ में आएगा, फिर इसको मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा आपको, हम इसको प्रूफ करेंगे बाद में, ठीक है बेटा। आप यहाँ पे थोड़ी देख देख लिया कि हमने यहाँ पे कोई सोर्स लगा रखा है, इस प्रकार से कोई भी विद्युत स्रोत हो सकता है बच्चों, ठीक है ना, विद्युत स्रोत। तो बच्चों थोड़ी देर के लिए देखिए, सबसे पहले बच्चों कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स कुंडली के अंदर होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन, सबसे पहले वो फेरों की संख्या पर डिपेंड करता है बच्चों, इसे हम कहेंगे फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। तो बच्चों ये आपको आ सकता है, इसको बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, अगर हम जैसे पैनाली का हमने एग्जांपल लिया, अगर हम इसके एक टर्न को देख लें बच्चों, एक फेरे को देख लें, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा बच्चों वो उसे हम ए कहेंगे। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो किसी भी कुंडली के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है बच्चों, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों, ए पर। अब तीसरी बात आती है बच्चों, और किस चीज पर डिपेंड करेगा बच्चों, मटेरियल पे डिपेंड करेगा जो इस कुंडली के अंदर है, अगर इसमें एयर है तो एयर पे, और अगर मैं यहाँ पे कोई और ऐसा कोई चुंबकीय पदार्थ रख दूं तो उसमें फ्लक्स और बढ़ जाएगा, तो और ज्यादा हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं पदार्थ पर, पदार्थ की कोर पर, कोर क्या बच्चों, जो उस कुंडली के अंदर रखी गई है, जिस पर हम कह सकते हैं जिस पर कुंडली लपेटी गई है बेटा, लपेटी गई है, लपेटी गई है। तो बच्चों ऐसा क्यों, सुनो मेरी बात, अगर एयर है तो एयर के हिसाब से अंदर चुके फ्लक्स कुछ और होगा बच्चों। अगर यहां पे मैं सपोज करो नर्म लोहे की छड़ रख दूं, नर्म लोहे की छड़, ये समझने वाली बात है बेटा, नर्म लोहे की छड़। तो बच्चों नर्म लोहे की छड़ करने से ये चुके फ्लक्स और बढ़ जाएगा, और अभी आपने देखा कि फाइव इक्वल्स टू एल आई होता है, अगर चुंबकीय फ्लक्स बढ़ गया तो L वैसे ही बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब बच्चों इन सब बातों पे किसी भी कुंडली का स्वैप प्रेरण गुणांक निर्भर करता है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इससे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।